दिल्ली में एजुकेशन की प्रबंधन की दायित्व किसकी है? दिल्ली सरकार की है। विश्व के अन्य शहर की मेयर हम आप भी जाते हैं, देश विदेश में आप भी जाते हो सेमिनार वर्कशॉप में, आपको वहां के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिलते हैं, वहां की विद्यार्थी कैसे बढ़े उस कॉरपोरेशन में, सारे देश विदेश की व्यवस्था है, हमारी दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली को प्रदूषण रहित करना, दिल्ली को सुंदर बनाना, दिल्ली को सुविधाजनक बनाना, ये नहीं होनी चाहिए क्या? होने के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। शिक्षा एक आइसोलेटेड विषय नहीं है, शिक्षा एक मूल विषय है और इंटरलिंक विषय है, और हमारे दायित्व बनते हैं दिल्ली को, और दिल्ली ठीक होने से सर्व केवल दिल्ली में जो 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, दिल्ली में तो देश ही रहता है, देश की क्रीम दिल्ली आते हैं, अपेक्षा के साथ आते हैं, अपने एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली में एक अच्छा नॉलेज सेंटर बने। बाजार की आवश्यकता के कारण बन रहा है ये अलग बात है, योजना से बन रहा है, देखो कॉलेज खुल रहा है, कुछ कोर्स दिया जा रहे, लोग तो आएंगे ही, लेकिन अच्छे मैथमेटिक्स की टीचर है, अच्छे फिजिक्स की टीचर है, अच्छे आर्ट्स की टीचर है, अच्छे गाना सिखाने वाले टीचर्स है, ये गुणात्मक परिवर्तन लाने की हम सभी की दायित्व है। और दिल्ली को एक अच्छी शहर की सरकारों का दायित्व क्या है? लोगों को रोजी तो कमा के सरकारें दे नहीं पाएंगी, लोगों को रोजी कमाने में थोड़ा मदद करें इतना ही तो कर पाएंगे। आपने आज अध्यापक बना कोई सरकारों के कारण नहीं बने, आपकी मेधा के कारण आप अध्यापक बने हो, ऐसे ही मेहनत का श्लोक, आपने मेहनत से अपना रोजी कमाता है, सरकार उसको सुंदर और स्वस्थ व्यवस्था दे उसकी जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में पिछले 8 सालों में जिन लोगों के हाथ में दायित्व है उन लोगों की भ्रष्टाचार, अमानवीयता, अस्पष्टता के कारण दिल्ली खराब हो रहा है, इतनी सिंपल बात है, और आप सभी के दायित्व है उसको ठीक करना। मित्रों जिस समाज में कृपाचार्य द्रोणाचार्य कहा कि मेरा काम नहीं है, वहां द्रौपदी का वस्त्र ग्रहण होता था। अब कल्पना करिए कभी कुरुसभा में द्रौपदी की वस्त्र ग्रहण को कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? नहीं बचाए, क्योंकि हमारा निष्ठा हस्तिनापुर की राजा के साथ है, राजा व्यभिचारी रहा, महिला का सम्मान किया। मित्रों आज 21वीं सदी में उस भूल को भारत बढ़ रहा है, भारत को कोई बढ़ने में रोक नहीं सकता है, ये सरकारों के कारण नहीं है, भारत की लोगों की नियति में है और देश बना चुका है, नहीं तो इतने बड़े कोरोना में इतने सारे अव्यवस्था के बावजूद आज हम बिना मास्क से बैठे हैं, 3-3 डोज बूस्टर डोज के साथ लेते हुए, पोलियो को लगने में 20-30 साल लगे देश में, टीका को 2-2.5 साल के अंदर, अभी टीका आते हुए अभी ठीक सा 2 साल भी पूरे नहीं हुए, मेरे को याद आ रहे 2021 जनवरी से टीका लगना शुरू हुआ, अने और 1-2 महीने के बाद 2 साल पूरा होगा, 2 साल होते होते देश में 230-240 करोड़ डोज टीका लग जाए, ये कोई सरकारों की बात है क्या? पीएम ने योजना बनाया, दूर का देखा, लेकिन इस तय कौन किया, हुआ क्या? तभी तो टीका था पोलियो की, तभी तो कोई प्रधानमंत्री भी होंगे, क्यों नहीं लगा, आज क्यों लग रहा है? क्योंकि देश मन बना चुका है। इसलिए आपको मैं स्ट्रैटेजिक, आप सब मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक डिसीजन पढ़ाते होंगे, मैनेजमेंट साइंस के और अन्य प्रकार के स्ट्रक्चरल चीज पढ़ाते होंगे, इंजीनियरिंग और साइंस की टीचर्स और स्पेसिफिक्स पढ़ाते होंगे। मित्रों मैं आपको क्या समझाऊं कि आपकी रोल क्या है, और बागी जी ने तो कहा आप सभी हो मास्टर ट्रेनर, फिर आने वाले सप्ताह भर में बचा कितना दिन है, 4 की चुनाव है तो आज है 23, बीच में 10 ही दिन बचा है, तो यह सप्ताह भर में आप लोग दिल्ली को
21वीं सदी में एक सुंदर शहर बनाने की आपके हिस्से की आप दायित्व तो लोगे, इस निवेदन करने का आपने अवसर दिया। फिर मैं कहता हूं आप आइएगा मेरे पास, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से चाय पिलाऊंगा। आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।